नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। रेप जैसे जघन्य अपराध का आरोप झेल रहे नए सांसद जी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेप के आरोप के बाद चुनाव तो लड़ लिया और जीत भी गए, लेकिन बेचारे नेता जी रेप के आरोप की वजह से फरार चल रहे हैं। हालात तो ये हो गए हैं कि सूत्रों के मुताबिक 6 जून से 17वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने वाला है और संसद जाने से पहले ये सांसद जी जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने इस बार घोसी लोकसभा सीट से अतुल राय को टिकट दिया था, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ही उन पर एक छात्रा ने रेप का आरोप लगा दिया और रेप का केस भी दर्ज हो गया, जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए नए सांसद अतुल राय आजकल फरार चल रहे हैं। उन्होंने गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका एक बार फिर खारिज कर दी। इससे पहले भी अतुल राय के वकील ने याचिका दाखिल कर 23 मई तक राहत देने की मांग की थी, जिसे ठुकराते हुए जज इंदिरा बनर्जी और जज संजीव खन्ना की अवकाश पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा था, ये रद्द करने वाला मामला नहीं है, चुनाव लड़िए और मुकदमा भी। चुनाव प्रचार के दौरान अतुल राय पर जब रेप का आरोप लगा तो उनका टिकट काटने के बजाय बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद अतुल राय के बचाव में आ गई थी। उन्होंने 3 मई को ट्वीट कर कहा था, बीएसपी महिलाओं का पूरा पूरा आदर सम्मान करती है जो जग जाहिर है, लेकिन दुखद है कि अब चुनाव के समय में भी बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर बीएसपी को बदनाम करने पर तुली हुई है। घोसी में पार्टी प्रत्याशी के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है, जो बीजेपी का ये अति घिनौना चुनावी हथकंडा है। मायावती ने भले ही आरोपी अतुल राय का बचाव किया हो, लेकिन पीड़ित छात्रा का आरोप है कि अतुल राय ने उसे पत्नी से मिलाने के लिए आवास पर बुलाया था और इसके बाद मौके का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अतुल राय पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। हालांकि अतुल राय का कहना है कि युवती उनके ऑफिस आकर चुनाव लड़ने के नाम पर चंदा लेती थी और चुनाव में प्रत्याशी बनने के बाद ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि बीएसपी के टिकट पर घोसी से चुनाव लड़ रहे अतुल राय बीजेपी प्रत्याशी हरि नारायण को हरा कर लोकसभा पहुंचे हैं। अतुल राय को 5,73,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि हरि नारायण को 4,51,000 से ज्यादा वोट मिले हैं।